बट हाँ देर आर चांसेस कि पेट्रोल इंजन लॉन्च करें, बट इसके चांसेस मतलब बहुत ही टाटा हैरियर या टाटा सफारी लेने की सोच रहे हो तो रुको, पहले इस वीडियो को देख के जाना, फिर ही डिसीजन बनाना कि टाटा हैरियर नॉर्मल वाली लेनी है या फेसलिफ्ट वाली। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में एक एक करके कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं टाटा हैरियर सफारी के फेसलिफ्ट वर्जन में। ऑब्वियसली बात है यार, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे इतने क्वेश्चन पूछे, भाई टाटा हैरियर फेसलिफ्ट कब आएगी, कुछ क्लू है कि नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैं पूरी बात शुरू करूँ या आपको सारी बातें बताऊँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कर सकते हो फॉलो, जहाँ पे आपको बहुत सारी सीरीज मिलेगी हमारी कार के ऊपर, जैसे कि 3 रीज़न आपको कोई गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, इसमें बहुत सारी अलग अलग गाड़ियों के बारे में हमने बताया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है टॉर्क एनएम ओरिजिनल सीरीज का, जिसमें हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे अनसुने ऑटोमोटिव दुनिया की बातें बताते हैं और कहानियां बताते हैं कि कैसे किसी कंपनी ने कहां से शुरू करके कहां तक पहुंचाया। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और यहां पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखो, टाटा हैरियर सफारी वन ऑफ द मोस्ट सेक्सीएस्ट डिजाइन कार है अंडर 30 लाख रुपीज। सिंपल सी बात है यार, देखो गाड़ी के जो लुक है ना, चाहे उसे लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म की वजह से कह लो या जैसे भी, गाड़ी का लुक जो है बहुत ही ज्यादा सेक्सी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यार देखो, ये तो देखो सीधा सीधा हो गया कि टाटा हैरियर का सबसे टॉपिंग पॉइंट क्या है। अब चलिए बताते हैं एक एक करके उन सारे सवालों के जवाब कि टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के अंदर क्या क्या आने वाला। सबसे पहला एक्सटीरियर, तो अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे न्यू कलर्स जो कि आपको बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लगेंगे। देर आर चांसेस कि सैटिन फिनिश पे भी कलर्स आ सकते हैं, जैसे आपको नेक्सॉन में देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक प्रीमियमनेस आती है। और ऑब्वियसली बात है, टाटा हैरियर और सफारी टाटा का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं कि गाड़ी में डिजाइन चेंजेस क्या क्या होंगे। तो देखो, पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। तो गाड़ी का जो अभी फ्रंट लुक है वो होने वाला है चेंज, जो DRL आपको दिखते हैं वो पूरी तरह से चेंज होकर कनेक्टिंग DRL में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको मिलेगा वेलकम फीचर भी। साथ ही जो इसकी हेडलैम्प होने वाली है वो होने वाली है वर्टिकल में इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल, जैसे कि अभी आप देख सकते हो करंट टाटा हैरियर सफारी के अंदर है, जिसकी वजह से गाड़ी में ऐसे फ्यूचरिस्टिक लुक आने वाला है। साथ ही गाड़ी का जो बम्पर है, फ्रंट ग्रिल है, उन सब को रीडिजाइन किया जाएगा। देर आर चांसेस, बट ऐसा 100% कन्फर्म नहीं है कि टाटा अपना लोगो भी चेंज करे। अब देखो, ये तो हो गई फ्रंट की बात। अब इसके अलावा हम बात करते हैं रियर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। रियर में जो आपकी लाइट है, टेन लाइट है, वो आपकी कनेक्टिंग होने वाली है, वो भी प्रॉपर, जब भी आप अनलॉक करोगे या लॉक करोगे तो वेलकम फीचर की तरह वो प्रॉपर ऐसे जलेगी फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। यही नहीं, गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला है सीक्वेंशियल इंडिकेटर भी, फ्रंट और बैक दोनों। इसके अलावा आपको वर्किंग रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाएंगे पीछे में, आपको डिफॉगर, वाइपर, जो सारी चीजें आती है वो सारी कुछ आने वाली है एज इट इज। फ्रंट और रियर की बात हो गई, तो साइड में आपको कोई ऐसा चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो सेम है। बट हाँ, एक जो टॉकिंग पॉइंट होगा वो है इसका अलॉय विंग, जो कि थोड़ा ऐसे फ्यूचरिस्टिक सी डिजाइन पे देने वाले हैं, जैसे कि आपने नेक्सॉन में देखा है हमारे वीडियोस के अंदर। अब चलिए बताते हैं दूसरे पॉइंट को, जो कि है इंटीरियर के अंदर क्या क्या ऐसा चेंज होने वाला है। सबसे पहला भाई, गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील, आपको गाड़ी में इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, साथ ही इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो भी मिलेगा, जैसा कि आप सब लोगों ने टाटा नेक्सॉन में देख ही लिया है। इसी के साथ जो अपोस्ट्री है, जो भी आपके लेदर फिनिश वगैरह सॉफ्ट टचेस हैं, वो उसकी क्वालिटी और एक लेवल बेटर होने वाली है। साथ ही सीट कवर की क्वालिटी भी काफी बेटर होने वाली है। इसके अलावा गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुल्ली डिजिटल होने वाला है और साथ ही ज्यादा पिक्सल्स और ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी चलाने में काफी अच्छा फील होगा। यही नहीं, इसके अलावा आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है वो भी 12 इंच का मिलेगा, जो कि काफी प्रीमियम है। यही नहीं, इसके अलावा जो गियर लीवर है इसको भी ये लोग थोड़ा चेंज करने वाले हैं, जो थोड़ा मोस्टली रिजेंबल करेगा रेंज रोवर के गियर लीवर के साथ, जैसे कि आपने देखा होगा टाटा नेक्सॉन के अंदर भी आ गया वही वाला छोटा वाला गियर लीवर, जो कि काफी क्यूट लगता है। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वो है सेफ्टी और फीचर्स। तो सेफ्टी के अंदर टाटा ऑलरेडी काफी सारे वर्क ऑलरेडी कर चुका है, सेफ्टी गाड़ी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बट फिर भी सेफ्टी के अंदर आपको मिलने वाला है लेवल 2 का ADAS,
अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल और बहुत सारे फीचर। मतलब इसके अलावा आपको 6 से 8 एयरबैग्स भी मिलेंगे। अभी भी आपको 6 एयरबैग्स मिलते ही हैं तो देर आर चांसेस कि 8 एयरबैग्स हो जाएंगे। सेफ्टी के मामले में तो यार आपको, आप सब लोगों को पता है, टाटा बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। ऑब्वियसली बात है, वो उनकी USP है, तो अगर वो ये करने लगे तो फिर यार गाड़ी कौन खरीदेगा टाटा की। तो अब बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट की, इंजन और ट्रांसमिशन, इसके अंदर क्या चेंजेस आने वाला। तो देखो यार, ये फेसलिफ्ट है, तो फेसलिफ्ट में आपको इंजन में कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, देर आर चांसेस कि पेट्रोल इंजन लॉन्च करें, बट इसके चांसेस मतलब बहुत ही कम है, 50-50 कह लो है। क्योंकि जो टाटा के चेयरमैन से जो भी हमारी बातचीत हुई थी या जो भी हमने कम्युनिकेशन किया था, उसमें हमें यही पता चला है कि वो TGDI वाला इंजन जो आप लोगों ने ऑटो एक्सपो में देखा था, वो कर्व के साथ ही लॉन्च करेंगे, और अभी कर्व लॉन्च होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। अब वापस आते हैं, जो अभी करंट इंजन आ रहा है उसमें क्या चेंजेस है। तो देखो, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, वही मल्टीजेट इंजन जो कैडिलैक में यूज होता है, अल्फा रोमियो में यूज होता है। जो कहते हैं ऐसा कि वो इंजन अनरिलायबल है, वो गलत है। ये इंजन टाटा का नहीं है, ये फीएट का मल्टीजेट इंजन बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में यूज होता है। इवन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, विकिपीडिया पे मैं आपको दिखा दूं, इन गाड़ियों में ये यूज हो रहा है और काफी रिलायबल है और काफी ज्यादा किलोमीटर चल चुका है। अब इंजन हो गया, इसके अलावा ट्रांसमिशन वही हुंडई वाला गियरबॉक्स है, तो काफी ऐसे स्मूथ है, उसमें आपको कोई ऐसी टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वाले की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली जो मैनुअल वाला थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मतलब कंफर्टेबल नहीं फील होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन सच में नहीं अच्छा है टाटा हैरियर सफारी का। अब देखो, इससे पहले मैं नेक्स्ट बात बताऊं आपके लिए, एक काम की बात तो सुन लो। तो देखो, अगर आप दिल्ली NCR के अंदर नई गाड़ी प्लान कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि टाटा हैरियर सफारी, नेक्सॉन या कोई भी ऐसी गाड़ी जिसमें वेटिंग ज्यादा नहीं है, महिंद्रा की गाड़ियों को एक्सक्लूड कर दो क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसमें बहुत ज्यादा वेटिंग है, बट ऐसी गाड़ियां जो आप कंसिडर करना चाह रहे हो, जिसपे आपको चाहिए डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट जो आपको शोरूम वाले नहीं देंगे, तो आपको करना है इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो और करना है वहाँ पे DM। दिल्ली NCR के अंदर आप कोई भी गाड़ी पसंद करोगे, चाहे स्कोडा हो गई, चाहे फॉक्स वैगन हो गई, चाहे टाटा की गाड़ियाँ हो गई, आपको सब में मिलेगा बढ़िया वाला डिस्काउंट। तो यार सुनो, डिस्काउंट सबको नहीं मिलेगा, ये डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। और हाँ, हमारी टीम का कोई भी पर्सन आपसे पैसा चार्ज नहीं करेगा, ये सर्विस सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए है एक्सक्लूसिवली। तो कोई भी अगर आपसे पैसा हमारे नाम पे ले तो सीधे कर देना मना। अब एक डाउट मैं आपका यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हो कि भाई XUV 700 ले या सफारी ले, XUV 700 में पावर ज्यादा है, इंजन ये है वो है। तो देखिए, ऐसे कंफ्यूजन में मत रहिए, देखिए बहुत सिंपल है यहाँ पे। अगर आपको माइलेज भी चाहिए और सारी फीचर्स भी चाहिए तो आपको आग बंद करके टाटा की सफारी लेनी चाहिए। जितना माइलेज आपको टाटा सफारी निकाल के देगी, उतना आपको XUV 700 या स्कॉर्पियो N नहीं देगी माइलेज निकाल के, इस बात की गारंटी है। यार यहाँ पे तो लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियोस डाले हैं, 19-20 का माइलेज क्लेम किया डीजल पे, मतलब हद हो गई है यार टाटा हैरियर सफारी के अंदर। तो अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, प्राइस और लॉन्च। तो प्राइस जो स्टार्टिंग होने वाली है फेसलिफ्ट की, वो 15 लाख से 22 लाख रुपए एक्सशोरूम मिनिमम होगी। और ऑब्वियसली बात है, अभी वाली हैरियर जो है सफारी जो है वो सस्ती है। तो देखो, अगर आपकी जो माइंड में ये है ना कि हम फेसलिफ्ट लेंगे, तो एक बात और माइंड में डाल लेना कि गाड़ी मिनिमम 40-50,000 रुपीस महंगी होगी बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक। तो ये बात मान के चलना कि हाँ, 1,50,000 का डिफरेंस आने वाला है, तभी आप वेट करना फेसलिफ्ट का। अब देखो, लॉन्च की बात आती है, तो हमने रिसेंटली ये बात कंफर्म की है टाटा वालों से इंटरनली कि बहुत ही जल्द, मतलब मुश्किल से 10 से 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर के बीच में गाड़ी लॉन्च हो सकती है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में सेम टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय।